इलस्ट्रेशन वन करते हैं आप। अ कॉमर्शियल बैंक हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स। सेग्रीगेट द कैपिटल फंड इनटू टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल्स। फाइंड आउट द रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो हम लोग को क्या निकालना है, टायर वन टायर टू निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग का निकालना है ये रिस्क एडजस्टेड एसेट और रिस्क वेटेड एसेट निकालना है। तो आगे और इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, कैपिटल फंड में दे रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर स्टैटूटरी रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व ऑफ विच 200 लाख वेयर ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड द बैलेंस ड्यू टू सेल। तो रिवैल्यूएशन एसेट दे रखा हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में मतलब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में 1210 दे रखा हुआ है, जिसमें 280 रिवैल्यूएशन रिजर्व है। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, नॉन कैश होता है, तो इसलिए हम लोग को देखना मतलब जब सम्स बनाएंगे तो समझ में आएगा। फिर आगे क्या है, एसेट में दे रखा हुआ है कैश बैलेंस विद RBI, उसके बाद बैलेंस विद अदर बैंक, क्लेम्स ऑन बैंक, उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट, फिर लोन्स एंड एडवांसेस में दे रखा गारंटी बाय गवर्नमेंट, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर अदर में दे रखा हुआ प्रमाइसेस फर्नीचर एंड फिक्सर्स, अदर एसेट ऑफ बैलेंस शीट आइटम में दे रखा हुआ एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो चलिए अभी बनाते हैं, तो उस टाइम में समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल टीयर वन। कैपिटल टीयर वन कैसे निकालते थे हम लोग, तो कैपिटल टीयर वन के लिए सबसे पहला क्या होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल होता था, उसके बाद जनरल रिजर्व होता था, फिर जनरल रिजर्व, स्टैटूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर कैपिटल क्या था, कैपिटल रिजर्व था जो रियलाइज्ड इन कैश होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, रियलाइज्ड इन कैश, ये हम लोग टोटल करते थे, माइनस क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी, या इंटेंजिबल एसेट में होता था तो वो भी माइनस करते थे, लॉस अगर होता था तो वो भी हम लोग माइनस करते थे, ये हम लोग माइनस करते थे। तो चलिए आ जाइए निकालते हैं कैपिटल टायर वन। तो इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, वन है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टीयर वन, इन्फॉर्मेशन में हम लोग को क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना दे रखा है, 48000। फोर एट ट्रिपल जीरो रुपीज इन क्या है, लैक्स। आगे दे रखा हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना दे रखा है, 28000। आगे दे रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हम लोग क्या लेते हैं, रियलाइज्ड इन कैश, तो यहाँ पे 1210 माइनस क्या करेंगे, 280 करेंगे, माइनस 280 क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया नेट में, 1210 माइनस 280, तो ये हम लोग का आ गया 930। टोटल करने से कितना आता है, 76930। ये हम लोग का कैपिटल टीयर वन आ गया। अब कैपिटल टीयर टू निकालते हैं। कैपिटल टीयर टू में हम लोग को सिर्फ दे रखा हुआ है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो वो लेना है। तो रियलाइज्ड इन कैश कितना, 280 का नहीं है, माइनस क्या करेंगे, 55% करेंगे, तो 280 का 55%, तो ये आ गया हम लोग का 154। तो ये हम लोग का कैपिटल टायर टू कितना आ गया, 126। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कैपिटल रिजर्व को किस तरह से, एक इस तरह से भी लिख सकते थे, कैपिटल
रिजर्व था 280, उसको हम लोग डायरेक्ट 45% भी कर सकते हैं तो ही, तो अब भी क्या आएगा 126 ही आएगा, या हम लोग 55% माइनस कर देंगे तब भी क्या आएगा, तब भी हम लोग का क्या आने वाला है 126। तो ये हम लोग का टायर वन आ गया, कैपिटल टीयर वन आ गया, ये कैपिटल टीयर टू आ गया, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल टोटल हम लोग का कैपिटल कितना आ गया 76930 प्लस 126, तो ये हम लोग का आ गया 77056, ये हम लोग का टोटल कैपिटल आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इक्विटी शेयर, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का सिर्फ वो पार्ट ले लिए हम लोग जो रियलाइज्ड इन कैश था, तो इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व को माइनस कर दिए। आगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल टीयर टू निकालने के लिए रियलाइज्ड इन कैश नहीं होना चाहिए था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस 55% कर दिए, या डायरेक्ट हम लोग 45% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग का टोटल कैपिटल निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स निकालना है। तो एसेट में सबसे पहले क्या दे रखा है, कैश, कैश बैलेंस विद आरबीआई, यही दे रखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ वेट और रुपीस। फर्स्ट आइटम है कैश बैलेंस विद आरबीआई, कितना अमाउंट दे रखा हुआ 480। आरबीआई के पास पैसा अगर होता है तो उसका वेट कितना होता है, 0%। तो ये आ गया हम लोग का नीला गया। फिर नेक्स्ट में दे रखा हुआ है बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक कितना दे रखा हुआ, बैलेंस विद अदर बैंक 1250। अदर बैंक के लिए कितना होता था वेट, 20%, तो 1250 इंटू 20%, तो ये हम लोग का आ गया 250। आगे दे रखा हुआ है क्लेम्स ऑन बैंक, क्लेम्स ऑन बैंक, तो ये भी हम लोग का कितना होता है, क्लेम्स ऑन बैंक पहले कितना दे रखा हुआ है 2850, इसका भी कितना वेट होता है 20%, तो 2850 इंटू 20%, तो ये हम लोग का आ गया 570। आगे क्या दे रखा हुआ है, अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट का कितना वेट होता था 100%, तो 78250 का 100%, तो आ गया 78250। लोन्स एंड एडवांसेस, अब है लोन्स एंड एडवांसेस में, लोन्स एंड एडवांसेस में फर्स्ट में क्या है, गारंटीड बाय गवर्नमेंट, अमाउंट कितना दे रखा हुआ है 12820, 12820 0% होता है गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी नील आ गया। फिर गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है 70210, इसका भी वेट कितना होगा 0% होगा, तो ये भी नील आ गया। आगे दे रखा हुआ है अदर के लिए, अदर एसेट के लिए, अदर एसेट के लिए कितना परसेंट वेट होता था 100%, तो अदर एसेट में आ जाइए, अदर में दे रखा हुआ है एड लोन्स एंड, तो अदर आ गया एक, एक प्रेमाइसेस आ गया, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, और थर्ड में क्या है, अदर एसेट है, तीनों का कितना वेट हो जाएगा 100%। वेट हो जाता है, ये आ गया 520250, फिर 18200, फिर 20120। अब ऐड कर लेते हैं, 250 प्लस 570 प्लस
तो ये हम लोग का आ गया 637640, 637640 ये हम लोग का आ गया रिस्क एडजस्टेड एसेट। अब हम लोग ऑफ बैलेंस शीट आइटम निकालेंगे। ऑफ बैलेंस शीट आइटम इसके लिए वेट कितना होता था, 100% होता था। तो ऑफ बैलेंस शीट वाइट आइटम में क्या दे रखा हुआ, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, 370250। वेट कितना होता है, 100% होता है। तो ये कितना आ गया, 370250, ये हम लोग का आ गया ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब हम लोग सी ए आर निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल, कैपिटल में दोनों कैपिटल होता था कि टीयर वन टीयर टू डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इंटू 100, यही करते थे। तो हम लोग का कैपिटल कितना निकल के आ गया था, कैपिटल निकल के आ गया था 77050 डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट हम लोग का निकला है 637640 प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम कितना निकला है, 370250 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, 77050 637640 प्लस 370250, तो ये हम लोग का टोटल कितना आ गया, 100780 एम प्लस 77050 सॉरी 056 था डिवाइड बाय MRC, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 7.64%। ये हम लोग का CIR कितना आ गया, 7.64%। अब ध्यान दीजिए, मिनिमम CIR कितना होना चाहिए था, मिनिमम CIR कितना होना चाहिए था, 9%। मिनिमम CIR 9% होना चाहिए, तो इस कंपनी को CIR के लिए इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग यूनिट नंबर 4 पे चलेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।